बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो अगेन। अगर आपको अंग्रेजी समझ में आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आप एक समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश आती है। ऑल यू नीड इज़ दैट प्रैक्टिस। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंग्लिश बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, और प्रैक्टिस का मैं तरीका भी बताता हूँ आपको, प्रैक्टिस करनी कैसे है। एक्चुअली यू डोंट नीड अ पार्टनर फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत है। 90% कवर अप है, 10% बचा हुआ है सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर आपको सीखने हैं कि कैसी सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। दैट वी डू इन आवर प्रैक्टिस सेशंस। हम अपने प्रैक्टिस सेशन में वो करेंगे। वर्ड फॉर वर्ड बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशन को समझो और उस सिचुएशन को इंग्लिश में बताने की कोशिश करो। ऑलराइट, पहला सेंटेंस हमारे पास में है, क्या आप मेरे वीडियो रोज देखते हो। कुछ सेंटेंसेस बेसिक होंगे जो आपको आते हैं, और कुछ एडवांस्ड होंगे, स्ट्रक्चर अलग तरीके का होगा। सो प्लीज़ बी पेशेंट एंड वॉच टिल द एंड, एंड तक देखना है। ऑलराइट, क्या आप मेरे वीडियोस रोज़ देखते हो, सिंपल है, हम पूछ रहे हैं किसी को। तो डू यू, क्या तुम कुछ करते हो। डू यू वॉच माय वीडियोस डेली, डू यू वॉच माय वीडियोस डेली, पहले से आती है। हाँ, मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ। यस आई वॉच ऑल योर वीडियोस, यस आई वॉच ऑल योर वीडियोस, सारे देखता हूँ तो ऑल योर वीडियोस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें वीडियो कैसे लगते हैं। अब हमें किसी से पूछना है, तुम्हें कैसा लगा, कितना पसंद आया, तुम्हें वीडियो कैसे लगते हैं। How do you like? अब देखिए, इस चीज़ को पूछने के लिए ये फॉर्मूला समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, फ्रेज समझ लीजिए। How do you like? कोई भी चीज़ कैसी लगी, How do you like the videos? तुम्हें वीडियोज़ कैसे लगते हैं, How do you like the videos? सपोज आपने किसी को चाय बना करके दी है और आपको उससे पूछना है कि भाई आपको चाय कैसी लगी, तो सिंपल है, आप उससे पूछेंगे How did you like the tea? कितनी पसंद आई, कैसी लगी, ये चीज़ें How do you like? और आगे वो चीज़ लग जाती है। हाउ डू यू लाइक द वीडियोज, कैसे लगते हैं वीडियोज, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना। नाउ स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिए, भावना क्या है, मैं कुछ इसके अंदर फीलिंग भर के पूछ रहा हूँ। हम अपने क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज जो मेम्बर्स हैं उनसे ऐसी बातें करते हैं। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हो ना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर कैसे होगा। यू डोंट लाइक माई वीडियोज, बिल्कुल सिंपल, पहले बोल दिया जाएगा यू डोंट लाइक माई वीडियोज, और लास्ट में इसको हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, डू यू। जैसे हमें किसी से पूछनी है, पूछना है आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो कैसे बोलेंगे, यू डोंट नो इंग्लिश, डू यू, लास्ट में क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं हम उस चीज को। अगर आपको इसका रिप्लाई करना है, मैं पहले ही कर चुका हूँ, आई हैव Already done that. I've already done that. मैं पहले ही कर चुका हूँ भैया। Now you listen to me for 30 seconds. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। I tell you two benefit of that. उसके दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि मैं रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेशन अपलोड करता हूँ दोपहर 12:30 बजे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज ऑल यू नीड इज़ प्रैक्टिस। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो, ग्रामर आपको पहले से आती है। नए नए सेंटेंसेस को सुनो, जितनी हो सके इंग्लिश को सुनो, स्ट्रक्चर को कैच करना पड़ेगा आपको कि भाई सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस पता होना चाहिए आपको। तो आप ये तो हम सिंगल सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर रहे हैं, व्हेन यू विल गो थ्रू ऑल द वीडियोस ऑन माय चैनल देन यू विल फाइंड लॉन्ग सेंटेंसेस आल्सो। आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस भी देखने को मिलेंगे, दो दो तीन तीन सेंटेंसेस एक एक साथ हमने ट्रांसलेट किए हुए हैं, तो आपको एक सेंटेंस के साथ दूसरा कनेक्ट करना भी आ जाएगा, एंड दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, एंड वन मोर थिंग, यू कैन अटेंड माय लाइव प्रैक्टिस सेशन बाय 9:30 PM एवरी डे ऑन द सेम चैनल। रोजाना एक घंटे का लाइव सेशन होता है हमारा 9:30 बजे रात को, तो लाइव सेशन भी मिस ना करें, अटेंड करें, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा आपको, खुद को पुश योर सेल्फ, सर में थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन सुनोगे
दो बार सुनोगे आदत हो जाएगी। कल मेरी छुट्टी है, आई हैव एन ऑफ डे टुमारो, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, आई हैव एन ऑफ डे टुमारो, या फिर आई हैव डे ऑफ टुमारो, कई तरीके से, किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है सेंटेंस को, लेकिन पता होना चाहिए आज तुम कितने बजे उठे, व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे, पूछ रहे हैं हम तो सिंपल है, व्हाट टाइम डिड यू, तुमने कितने बजे कोई काम किया, व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे, आज तुम कितने बजे उठे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आज मैं थोड़ा लेट उठा था, आई वोक अप बिट लेट टुडे, आज मैं थोड़ा लेट उठा था, आई वोक अप अ बिट लेट टुडे। बिट जो है ना, एक्चुअल में टाइम को नापने की एक इकाई है, जैसे हम डेटा यूज करते हैं ना, आजकल डेटा हमारा जीबी में और एमबी में आता है, तो सबसे पहला जो इकाई है न्यूमेरिक नंबर्स को जोड़ने के लिए, नापने के लिए, सबसे पहले बिट होता है, सबसे छोटा बिट ही है, उसके बाद बाइट आता है, उसके बाद किलो बाइट आता है, उसके बाद मेगा बाइट आता है, उसके बाद गीगा बाइट आता है। तो अभी हमको जो डेटा मिल रहा है रोज़ाना, वो एमबी मेगा बाइट में मिल रहा है, 1.5 मेगा बाइट, उसके बाद जीबी आता है गीगा बाइट, उसके बाद आता है टीबी टेराबाइट। तो ये सबसे छोटी इकाई है, अगर हमें छोटा सा टाइम बताना है, सो आई वोक अप अ बिट लेट टुडे, यानी बहुत छोटा सा समय, आई वोक अप अ लिटिल लेट टुडे भी आप कह सकते हैं, आई वोक अप अ बिट लेट टुडे। ऐसा क्यों, सामने वाला पूछ रहा है, ऐसा क्यों भाई लेट क्यों उठे, तो सिंपल है, व्हाई सो, ऐसा क्यों। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, देखिए वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश, स्ट्रक्चर समझना है। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ट्रांसलेशन नहीं करना है, स्ट्रक्चर समझना है, भी ऐसी सिचुएशन में कैसे बताता हूँ, नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, ये सब कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन, ये सब कैसे हुआ, हाउ डिड ऑल दिस हैपन, हेलो इसको पूरा ट्रांसलेट अगर करें, हाउ डिड ऑल लगा दिया इसमें, तो ये सब आ गया इसमें, हाउ डिड ऑल दिस हैपन, ये सब कैसे हुआ। Now, the next sentence is, मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, it usually, अक्सर यानी सामान्यतः मेरे साथ हो जाता है, it usually happens to me, मेरे साथ हो जाता है, तो with नहीं आएगा यहाँ पे, it usually happens to me, या it often happens to me, often भी use कर सकते हैं और usually भी आप use कर सकते हैं, it's up to you, कौन सा word use करना चाहते हैं आप। अक्सर वो बीमार पड़ जाता है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। अब देखिए यहाँ हम सजेशन दे रहे हैं, वर्ड्स पे फोकस मत करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्वर्जेशन विच इज़ गोइंग बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हो रहा है उसको समझो, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, सजेस्ट जब आप कर रहे हैं तो यू बेटर सजेस्ट कर रहे हैं, बेहतर होगा आपके लिए ऐसा, यू बेटर consult with a good doctor, you better consult with a good doctor, ये मैंने अपने शब्दों में ट्रांसलेट किया है, आप शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे, you better visit a good doctor, visit कर लो, तो जो भी शब्द आ जाए बोल दो, but structure should be correct, structure ठीक होना चाहिए, you better consult a doctor। Now the next sentence is, थोड़ा आराम कर लो, तो सिंपल है, टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो, टेक सम रेस्ट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे बहुत सारा काम खत्म करना है, मुझे बहुत सारा काम खत्म करना है, आई हैव अ लॉट ऑफ, लॉट भी वही है इकाई, मतलब न्यूमेरिक चीजें नापने के लिए, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश, खत्म करने के लिए बहुत सारा काम है मेरे पास, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम है मेरे पास, किस लिए, टू फिनिश, फिनिश करने के लिए,
दूसरा इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, आई हैव टू फिनिश, मुझे खत्म करना है, आई हैव टू फिनिश अ लॉट ऑफ वर्क, राइट। सो लॉट ऑफ भी वही न्यूमेरिक इकाई है लेकिन इंग्लिश में इस्तेमाल होती है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश। मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, आई हैव हेडेक टू, मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, आई हैव हेडेक टू, दर्द भी हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज अदरक वाली चाय पीकर देखो, अब इसमें भी हम सजेशन ही दे रहे हैं, यू बेटर ट्राई अ जिंजर टी, यू बेटर ट्राई अ जिंजर टी, अदरक वाली चाय पीकर देखो, इससे तुम्हारा सरदर्द कम हो जाएगा, इससे तुम्हारा सरदर्द कम हो जाएगा, इट विल ईज योर हेडेक, ईज मतलब इजी कर देगा, आराम देगा, इट विल ईज योर हेडेक, इससे तुम्हारा सरदर्द कम हो जाएगा, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, सो इट विल ईज योर पेन। स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सिंपल सा है, आई थिंक यू आर राइट। अब तुम सही कह रहे हो जब भी अग्री कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा बताने का तात्पर्य क्या है, शब्दों को ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, अग्री कर रहा है ना, यस आई अग्री, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर सेइंग राइट। किसी भी तरीके से फीलिंग को पहुंचाना है हमें, इट इज नॉट लाइक कि शब्दों को आप ट्रांसलेट करेंगे, जो लोग इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं उनके साथ समस्या यही है कि शब्दों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशन बतानी आनी चाहिए इंग्लिश में, और वो कैसे आएगी, जब आप सिचुएशंस को सुनोगे, जितनी ज़्यादा अंग्रेजी सुनोगे उतनी जल्दी बोलोगे। क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगे, सिंपल है, कुछ यू, हम पोलाइट हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ यू मेक मी अ टी। देखिए अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करने बैठ जाएंगे तो इसका मतलब है क्या तुम मुझे चाय बना दोगे, यानी मुझे बना दोगे, बट बोला ऐसे ही ज़्यादा है, कुड यू मेक मी अ टी, क्या मेरे लिए चाय बना दोगे, कुड यू मेक मी अ टी, मेरे लिए पानी ला दोगे, कुड यू ब्रिंग मी सम वाटर, कुड यू ब्रिंग मी सम वाटर। तो सेंटेंसेस को जब दो दो तीन तीन बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं, आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो, वाई नॉट, After all, you are my friend. Why not? After all, you are my friend. या फिर of course, you are my friend. Sure, you are my friend. बहुत सारे तरीके हैं बोलने के लेकिन थोड़ी देर में बनाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में बनाऊंगा, but I will do it a bit later, but I'll do it a bit later. मैंने इसको अपने तरीके से ट्रांसलेट किया है, थोड़ी देर में बनाऊंगा तो ऐसे भी कह सकते हैं, but I'll make it a bit later, थोड़ी देर में, a bit later, थोड़ी देर में बनाऊंगा, क्यों, कोई बात है क्या, या फिर अब वो रीजन पूछ रहा है कि भाई देर में क्यों बनाओगे, तो सिंपल है, why, what's the मैटर, ये एक तरीका है पूछने का, वाई व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, या फिर इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, इज एनीथिंग रॉन्ग। तो हमारे पास पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, सिचुएशंस के लिए आपको सेंटेंसेस याद होने चाहिए। दरअसल मैंने अपना लैपटॉप चलता छोड़ दिया है, दरअसल मैंने अपना लैपटॉप चलता छोड़ दिया है, एक्चुअली आई Left my laptop. मैंने छोड़ दिया है लैपटॉप, turned on. Actually, I left my laptop turned on. चलता हुआ छोड़ दिया है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें टर्न ऑफ टर्न ऑन होती हैं। हाँ पहले, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पहले मैं उसे बंद कर रहा हूँ फिर तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, पहले मैं उसे बंद कर रहा हूँ फिर तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। अब देखिए ट्रांसलेट नहीं है, भावना यह है कि परमिशन जैसी ली जा रही है उसे, पहले बंद कर रहा हूँ फिर चाय बना दूंगा, लेट मी टर्न इट ऑफ, लेट मी टर्न इट ऑफ, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग फर्स्ट, अब इसमें मैंने क्या किया, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग फर्स्ट, आई एम आस्किंग फॉर द परमिशन,
लेट मी टर्न इट ऑफ फर्स्ट, ये हमारा सेंटेंस हो गया पूरा, लेट मी टर्न इट ऑफ फर्स्ट देन आई मेक टी फॉर यू। अब इसमें थोड़ा ग्रामर अगर आप घुसाना चाहें तो इसमें सिंपल सिंपल है, लेट मी टर्न इट ऑफ फर्स्ट देन आई मेक अ टी फॉर यू।